Welcome students. Previous class है पहले मैंने हमारा plant kingdom सरी है थला जो class plant kingdom का classification हम पढ़े थे. Now in forward classes जो हमारा book का मैं पढ़िया थे मैंने that is your cell organelles. तो cell organelles कौन पहले मैंने ना जो cell और different parts ताऊपर हम पढ़ा पढ़िया थे मैंने. Okay. जो लोग इतने पढ़ी क्या इसको बोल रहे हैं उद्भिदों को सो और प्राणी को सो तो हम पढ़िया पहले मैंने उद्भिदों को सो. Now, see this diagram. ये हो चुकी है मैंने बोला plant cell का structure का बोला complete structure के लिए मैंने. कौन है structure? ना आर के लिए मैंने देखा के लिए मैंने ये structure हमें देखो जो आर दो ही टाइम membrane रहो ची plant cell का. कौन कौन? One is the cell wall and the second one is the plasma. ये जो outer most के लिए मैंने रहो ची ये रहो ची के लिए मैंने cell wall. और जो inner का रहो ची के लिए मैंने membrane था तक हम कुछ plasma membrane और सेल मेम्ब्रेन. ओके नाउ जो सेल मेम्ब्रेन हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो किंबा सेल वॉल तुम्हें देखते हो प्राणी कोष तुम्हें देखते हो प्राणी कोष रे ए वॉल का एब्सेंट है को वॉल का ना सेल वॉल तोटा को तुम्हें बढ़िया टर्म में लिखो ना कोष भित्ति. ओके तो ये कोष भित्ति का एब्सेंट था हमारो को दिन प्राणी कोष रे और एटा अवेलेबल था तो प्रेजेंट था ओतरे ना हमारो उद्भिद कोष and it is non-living. पहले मैंने डा मंडे था non-living. Now, inner to cell wall there is another membrane is called as your plasma membrane. तो जो plasma membrane ना मैं कहूँ जे तब अगर ये जब कहूँ जे cell membrane जोड़ा living हम कहूँ जे ये टा both animal cell and plant cell ले देखा जाए मैंने both उद्भिदों को सो एवं कौन पहले मैंने प्राणी को सो ले देखा जाए ये plasma membrane में उड़िया टॉर्न तुम्हें मैंने जाने के बो जोड़ा तुम्हें को कोसो झिल्ली. ओके नाउ जितने पहले मैंने भीतर का सिवा इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो पार्ट तुमने देखो जो ये जो स्ट्रक्चर आर नाम हो चुके हैं मैंने कौन ना साइटोप्लाज्म कौन 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 को हो साइटोप्लाज्म तो ये साइटोप्लाज्म का मतलब मैट्रिक्स ऑफ द सेल आने वाली है. ओके तो ये साइटोप्लाज्म हमें कौन से पहले मैंने साइटोप्लाज्म में बोले लार्ज ओवल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट जहां नाम हो चुके हैं मैंने लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है दिस वन पहले मैंने लिखे पर जो अक्वा में को छे कौन को छे पहले मैंने ना वैक्यूल को छे. ओके ओडिया के पढ़ी के सब रसधानी. ओके एटा कौन करे ना रसधानी प्राणी को सेल भी था कि से बहुत स्मॉल था बट इन केस ऑफ एनिमल सेल इट इज वेरी लार्ज. मन रखे पहले मैंने जो रसधानी तुम देखो जो एटा बड़ा मैच्योर प्लांट सेल है मैंने किंतु तले यंग प्लांट सेल थी वो तादर रसने ते छोट बड़ा नथु छोट छोट थाए तले मैच्योर है ये जानती समान कण कण दा साइज बड़े कुल्ली से जाते मा मिसी जाती एंड फॉर्म द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. क्लियर है पहले मैंने देयर इज न्यूक्लियस फिर तुम देखि पछो न्यूक्लियस दैट इज न्यूक्लियर लॉस एंड ऑफ द मेम्ब्रेन कवरिंग बाय द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऊपर जो पार्ट्स होते हैं ताका हम बोलते कौन ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम these are the Golgi bodies, these are the chloroplasts, these are the mitochondria, some of our your ribosomes. Okay, so these are the structure, basic structure of a plant cell. Okay, so तुम्हें मैंने कौन करी बहुत निजो खाता रे बड़ा बड़े डायग्राम करी बहुत तुम्हें इंटरनेट में तुम्हें कलेक्ट करी पे जो प्लांट सेल अपन लोग डायग्राम किए बड़े से करी कि तक प्रैक्टिस करिए मतलब एवरी एंड ईच पार्ट पर हम पढ़ी पढ़ी चुका है जब प्रत्येक पार्ट गोटे गोटे लंग क्वेश्चन के माने ओके जो हम पढ़ीबा तो जो स्टार्ट करियो तुम माने जो कोर्स तुम स्टार्ट कर दे सेल ऑर्गेनेल प्रत्येक पार्ट गोटे गोटे लंग क्वेश्चन. ओके तो दिस इज द प्लांट सेल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल. ओके नाउ तो हम एंट्री करियो फर्स्ट पार्ट को के माने देखो दैट इज योर सेल वॉल जोड़ा कि तुम्हें कोश कोश भित्ति द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड एज योर सेल वॉल. तो सेम इसे हम पढ़े पढ़ते पढ़ते हैं. ओके नाउ तो ये पार्ट हम कौन से पहले मैंने दैट इज योर सेल वॉल बढ़िया कि तुम्हें कोश कोश भित्ति. ओके तो इट इज द नॉन लिविंग वॉल ऑफ द प्लांट सेल मैंने मन रखियो इट इज द आउटर मोस्ट and the non-living wall of the plant cell मतलब क्यों है ना it is the outermost and the non-living wall of the plant
say plants are outermost wall or non-living. So non-living इतनी पाई की पिले मने that is जब तुम्हें देखो तो वो human being हो कि नहीं other animal हो से वो एक जगह रहे उन्हें चिकी रहनती या उन्हें घरे रहनती जो human being का था ना वाह हमारे घरे रहो सीता हो खराब हो बसा हमें उन्हें घरे रहो जो तो कारण हमारा जो cell अच्छी ताऊ पर हम cell वाल बाय तो हमारे जो environmenting हमारे जो बाहर वाला environmental condition अच्छी ताकु आमे सहय करी पारू ना हो बट प्लांट सेल उद्भिद कोष है कौन अच्छी ना जो सेल मेम्ब्रेन अच्छी कोष झिल्ली अच्छी तापर एक आउटर मेम्ब्रेन अच्छी जहाँ ना हो जी सेल वाले दिस नॉन लिविंग फॉर व्हिच रीजन ये कौन करे जो खरा हो वर्षा हो शीत हो ये समस्त को से अडैप्टेबल है पर बस सही हो जाए ओके नाउ मेन काम हो के लिए माने सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन ओके तो देखिए पहले माने आज जो पार्ट आर कौन-कौन पार्ट सेल वाल हमें देखिए पहले माने केमिकल कंपोजिशन कौन होती व्हाट आर द केमिकल कंपोजिशन कहां के लिए माने ना सेल वाल आर मैट्रिक्स अच्छी आर भी मैट्रिक्स अच्छी सेल वाल प्लस तार किसी जो मेम्ब्रेन जो पार्ट हम को छे से कहां को नहीं बटे तो प्लस अदर इंग्रेडिएंट अन्य उपादान भी रहो छे तो फर्स्ट टाइम में जो केमिकल कंपोजिशन में फर्स्ट टाइम में देखिबा मैट्रिक्स का कहां को नहीं करते ओके तो कौन-कौन सब में करते हो मतलब मैट्रिक्स रे तार रहेगो वाटर 60% ओके सेकंड रहे के लिए मैंने हेमी सेल्यूलोज फर्स्ट रहे को वाटर 60% सेकंड रहेगो सेल्यूलोज रहेगो अराउंड 5 टू 15% ओके तापर कौन रहे के लिए मैंने किसी पेक्टिक सब्सटेंसेस के जो लगे हम पेक्टिन को ओके पेक्टिक सब्सटेंसेस किस थी वे ओके एंड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स पेक्टिक सब्सटेंसेस के तक ले मैंने ना 2 to 8% एंड लिपिड्स और तो पड़ी माना हल्ला एंड प्रोटीन्स को आप पड़ी माना ओके जो लिपिड्स हैं वो जी ये रहो जी 0.5 to 3% और ये रहो जी 1 to 2% These are the matrix of the cell. Okay, now what are the microfibers? Microfibers create a you can put a thread like structure of the cell. That is your cellulose. Cellulose, and the microfibers, they are around 10 to 45% of the cell wall is made up of the cellulose. These are the microfibers. These are thread like structure. Plus, other ingredients will be included. Middle lamella
second one is your primary one, and the third one is your secondary one. Okay, the first one is your middle lamella, second one is your primary one, and the third one is your secondary one. Okay, so before going to discuss about all these three parts of the cell wall, first of all we have to show the diagrams by which we can be easily recognize which part. इले मैंने डायग्राम को तो मैं बहुत सारे प्रैक्टिस करी हुआ था ना देखो ये जो डायग्राम का तुम देखो जो एटा ओरिजिनली होची दीटा सेल द एडजेसेंट सेल दीटा पाखा पाखी सेल ना सेल वाला रे डायग्राम रे माने ओके द एडजेसेंट सेल ना जो डायग्राम में देखो जो मिड पॉइंट आ देखो जो ये जो मिड वाला था आर नाम होची पिले माने कौन दैट इज योर मिडिल लामेला अकम होचे मिडिल लामेला एंड इनर टू मिडिल लामेला ये जो पार्ट है कुछ तुम्हें आर नाम होते के लिए मैंने प्राइमरी वॉल ओके अब हम बोलते प्राइमरी वॉल एंड इनर टू प्राइमरी वॉल ये तीन टा का पार्ट तो हमें टिकल मिल गया एस वन सेकेंडरी वॉल वन एस टू सेकेंडरी वॉल टू एंड एस थ्री दैट इज योर सेकेंडरी वॉल थ्री तो टोटल को हमें कही परिवा दैट इज योर सेकेंडरी वॉल क्लियर है पहले मैंने तो ये रहेगा तुम्हारा मिडिल लैमेला ये रहेगा तुम्हारा प्राइमरी वॉल एंड दीज आर थ्री आर द कौन सेकेंडरी वॉल तो देखो पहले मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ी हो जे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मिडिल लैमेला और व्हेयर इज इट प्रेजेंट दैट इज द मिडिल वॉल तो मैं लिख पाई वो सिंपल द मिडिल लैमेला इज सिचुएटेड इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल तो ये गोटे प्राइमरी वॉल रहउछि ये गोटे प्राइमरी वॉल रहउछि तो दीटा रो मझिरे मिडिल लैमेला रहउछि त माने मिडिल लैमेला रो काम कोन हेतियो पिले माने दैट इज जॉइंट्स द सेल्स त माने डिफरेंट सेल को ये कोन करि बजाय करे कोता काम दीटा सेल को ये जॉइंट करे कि ना मिडिल लैमेला ओके नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द प्राइमरी वॉल पोजीशन कोथि ना इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन काका भितरे ना द प्राइम सेकेंडरी वॉल एंड मिडिल लैमेला बुझी पड़छ सेकेंडरी वॉल आ मिडिल लैमेला भितरे हम रहला पिले माने दिस वन प्राइमरी वॉल दिस वन एडा होची प्राइमरी वॉल एंड दिस वन मिडिल लैमेला एंड दिस वन कोन पिले माने द सेकेंडरी वॉल क्लियर नाउ तब क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी वॉल जस तमे लिखि परिवार आपने दैट इज द सेकेंडरी वॉल इज सिचुएटेड इन बिटवीन एपडे कोन रहले पिले माने ना प्राइमरी वॉल एंड ए भितरे कोन आसी पिले माने इतने कौन अच्छे पिले मने? This is the total cell wall. जो तुमको दूर देखो तो cell wall का जो single membrane, से originally ये भी बड़ा। तो cell wall भीतर को co membrane था क्या मने? Cell membrane और
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोटा का हम कहचे कोष झिल्ली ओके तो द सेकेंडरी वॉल इज प्रेजेंट इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन क्लियर हेला पिने माने ना तो तुम्हें जी जदी टिके डाउट्स रहौची तो तुम और बरे आ देखि दो छी तो पिने माने तुम्हें सेल घण का देखबो एम थांती नाना क्लियर माने सेल हर जे थांती पिने माने ओके एनबीसी लागि थांती तो भाके नियो ये जो ए आ बी सी डी ई एफ देयर आर सिक्स सेल्स नाउ ये जो बी सी हमें सेल होजे ये जो मिड पॉइंट जो मिड पॉइंट देखो जते माने जो बी और सी रा मिड पॉइंट एही मिड पॉइंट को मोण के जूम कर क्लियर है भाभी ना 20 इंच जूम कर तमे कैमरा देखियो जूम करतबो पूरा इनर पार्ट तमे देखि परिबो तो भाभी ना एही पार्ट माने बी और सी रा पार्ट को मोण के जूम कर तो केमिकल स्ट्रक्चर ला से माने लाइक दिस कहा ओनली द सेल वॉल तो को सेल वॉल पर जूम करे कोन हला पिले माने देखलो देखा पिले माने जस्ट रफ लेवल डायग्राम करू छी This is the B cell. This is the C cell. Which is the pillar man? This is the B cell and this is the C cell. Cell part को मानी कॉट करेंगे थे तार जो cell wall अच्छी देख ले कितना part हो जी cell wall जोड़ा दूर रहा हमको बोलते single membrane रूप में देखा दो तो ला original चला तीन टा part नहीं करता कौन सा and this is the first one that is the middle one which connects the adjacent cells मन दिला सेल पे जॉइन करी छी के पिले माने दैट इज योर मिडिल लैमेला ए जो मिडिल लैमेला ट छी दिला सेल को जॉइन करे छी पिले माने ओके हाउ कम माने ना आउटर पार्ट सेल वाला कोन माने ना द प्राइमरी वन एक आर पोजीशन कोन दैट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द मिडिल लैमेला एंड द सेकेंडरी वन ओके नाउ ए सेल वाला ट कोन जो सेल वाला लास्ट पार्ट होला सेकेंडरी वन ए का भी सिचुएटेड छी ना द प्राइमरी वन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो तुम्हें तो इंचा सेल वाल भी तो बा अगोटे मेम्ब्रेन अच्छी जोटे का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन रूपे भी कहूँ चे दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द प्लांट सेल वॉल क्लियर है पिले मैंने ना नाइन तो स्ट्रक्चर को तुम्हें बढ़िया परिवर्तन इधर बुझ गलो दीरा सेल के पका पका से जॉइन कर चंदी तब दीरा सेल को जॉइन के पड़ी थी ना मिडिल ला मिला ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट का वीडियो के लिए ठीक है चलिए माने जो मिडिल लाइन आ पहुंचे ना इट इज द जॉइनिंग पार्ट ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स तो ये कहां को नहीं कटी तो जो मिडिल लाइन ला में पहुंचे थे माने ये मिडिल लाइन ला कहां को नहीं कटता ना ये कौन करे ना द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट को नहीं बढ़ती तो मैंने मन रखी हुआ तो मिडिल लाइन में कहाँ को बढ़ती तो नहीं बढ़ती तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट को नहीं बढ़ती के ये जो मिडिल लाइन में देखो जी ना ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट नहीं होता आ काम है ना दीटा सेल को जॉइन करें हो तो जो दीटा सेल को मुझे जॉइन करो जी तामन मैं देखो हो आउटर सरफेस है मिडिल लाइन में प्रेजेंट थी ना एब्सेंट आउटर सरफेस है ऑब्वियसली मैंने आप सेल को कहीं ना आउटर सरफेस रे सेठी आ कौन से सेल अटैच हो नहीं सो मिडिल लैमेला इज एब्सेंट इन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द सेल तो आउटसाइड सरफेस रे से कौन था एब्सेंट है मिडिल लैमेला तो काम होला दिस सेल को से कौन करेबो ना जॉइन करेबो क्लियर हैला पिले माने ए डायग्राम को तुम भलो आबर करथिबो नेक्स्ट क्लास रे हम पढ़िबा प्राइमरी वन एंड द सेकेंडरी